दोस्तों, जब भी टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सीरियल्स की बात या फिर धारावाहिकों की बात की जाती है तो उनमें सबसे पहला नाम ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का तो जरूर लिया जाता है, जिसे इस मुकाम तक पहुंचाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अभिनेत्री शुभांगी जोशी को ही जाता है, जो कि शो में नायरा और सीरत बनकर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को जीतती हुई नजर आ रही है, जिनकी इस अदायगी के न सिर्फ लाखों करोड़ों फैन बन गए हैं बल्कि आज ये अपनी सकम उम्र की बदौलत सभी सितारों को पीछे छोड़कर टीवी पर राज भी कर रही है। इसलिए दोस्तों, कि आप लोग ये जानते हैं कि आज जब बेहद ही कम उम्र में सफलता और दौलत हासिल कर चुकी अदाकारा शिवांगी जोशी से टीवी के बहुत सारे सितारे जलते भी हैं। जी हां, कम उम्र में इनकी सफलता को देख टीवी के कई सितारों ने इनसे जलन करना भी शुरू कर दिया है। तो आखिरकार कौन से हैं वो सितारे, देर न करते हुए जल्दी से जान लेते हैं उन्हीं सितारों के बारे में। नंबर एक, काजी सिंह। क्यों दोस्तों, काजी सिंह का नाम सुनकर तो आप भी बहुत ज्यादा हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन क्या करे दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि अभिनेत्री काजी सिंह शिवांगी जोशी की सफलता से चिढ़ती हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि काजल सिंह ने अपने उनके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में गायू की भूमिका अदा की थी, लेकिन इनके इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद भी इनकी इस सीरियल में दाल नहीं गल पाई और ये सीरियल से निकल गई। जहाँ आज इस काम के लिए दर दर भटक रही है, तो वही दूसरी तरफ शिवांगी जोशी इस सीरियल में आज भी बनी हुई है, जिसके चलते आज इनकी सफलता को देख ये उनसे जलन करती है। नंबर दो, रीम शेख। टीवी के पॉपुलर शो तुझसे है रापदा में कल्याणी मल्हार का किरदार निभाने वाली अदाकारा रीम शेख का नाम भी इस लिस्ट में नंबर दो पर शुमार होता है, जो कि शिवांगी जोशी की कम उम्र में ज्यादा सफलता को देखकर उनसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ती हैं, जिसका पुख्ता प्रूफ हमें देखने को तब मिला जब शिवांगी जोशी और रीम शेख एक पार्टी में गई हुई थी, जहां किसी बात को लेकर शिवांगी जोशी ने इनसे कुछ मजाक कर दिया था, तो इन्होंने गुस्से में ना जाने उन्हें क्या कुछ कह दिया कि शिवांगी जोशी उनकी बोली हुई बातों को आज तक भूल नहीं पाई है। नंबर तीन, हिना खान। जी हाँ दोस्तों, हिना खान भी अपने से कम उम्र वाली एक्ट्रेस शिवांगी जोशी से बेहद जलती हैं। उनके इस जलन की वजह है, इनका कम उम्र में पॉपुलर हो जाना और वो भी इतनी जल्दी। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पछता है कि वो 25 साल की एक्ट्रेस इनसे ज्यादा पॉपुलर हैं। इससे कहीं ज्यादा दर्शक उन्हें प्यार कर रहे हैं और उन्हें देखना चाहते हैं। बस एक यही वजह है कि ये उनसे जलस होने लगी हैं और इसी के चलते ये तो उनसे बात तक नहीं करती हैं। नंबर चार, रिया शर्मा। जी हाँ, अभिनेत्री रिया शर्मा भी इन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं जो कि जलती हैं शिवांगी जोशी से। जी हाँ, क्योंकि ये दो टीवी के लोकप्रिय सीरियल दिया और बाती हम और ये रिश्ते हैं प्यार के में काम करके इतने पॉपुलर नहीं हो पाए जितना शिवांगी जोशी ने अपने एक ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से पॉपुलैरिटी हासिल कर ली है। बस यही वजह है कि आज ये उनसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ती हैं। नंबर पाँच, रोहन मेहरा। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में शिवांगी जोशी के ऑपोजिट उनके भाई नक्श का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता रोहन मेहरा का भी नाम इस लिस्ट में शुमार होता है, जो कि शिवांगी जोशी के कम उम्र में मिल रही ज्यादा सफलता को देखकर बेहद चिढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों, दरअसल बता दें कि जब शिवांगी जोशी और रोहन मेहरा एक साथ इसी सीरियल में काम कर रहे थे तो दोनों के बीच में किसी बात को लेकर इतनी ज्यादा बहस हो गई कि रोहन मेहरा इस सीरियल से ही बाहर हो गए, लेकिन शिवांगी जोशी इस सीरियल में बनी रही, जिसके चलते आज इनसे बेहद ही कम उम्र में शिवांगी जोशी के पॉपुलैरिटी देख रोहन मेहरा उनसे बेहद चिढ़ते हैं और उनसे बात तक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सितारों का शिवांगी जोशी से चिढ़ना वो इस तरह सही है या फिर गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन साथ ही साथ टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।